Stand still. What is this? Go and study. Don't be shy. Go to bed. Assalamualaikum everyone. मैं हूँ दीदी कैडमी में खुश आमदी और आज की क्लास में हम जो लर्निंग कर रहे हैं वो कुछ और न्यू सेंटेंसेस की और इन न्यू सेंटेंसेस को हमने यूज करना है अपने रूटीन में अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में लेना है जब हम अपने बच्चों से बात कर रहे हो किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन कर रहे हो तो जहाँ इन वर्डिंग का इस्तेमाल आता हो हमने वो वर्ड्स इन सेंटेंसेस को यूज करना है। इससे फायदा क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारी अपनी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, इसके साथ साथ हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो आज के सेंटेंसेस हम देखते हैं कि आज कौन से सेंटेंसेस हैं। तो जनाब आज है स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो जाओ। बच्चों को जैसे बच्चे हिलते जुलते हैं और कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं तो आप उनसे कहेंगे स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो जाए। व्हाट इज दिस, ये क्या है? अक्सर बच्चे ना कुछ ऐसे अगर करते हैं जिससे हमारा माइंड बहुत अनवाइंड हो जाता है तो हम उनसे पूछते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है? गो एंड स्टडी, यानी जाए और पढ़ाई करें। बच्चों को कहते हैं ना गो एंड स्टडी के, जाओ और पढ़ाई करो अपनी। डोंट बी शाय, शर्माए मत। बच्चों को अक्सर ये होता है कि जब कभी उनको किसी के सामने कुछ कहना होता है या कुछ सुनाना होता है तो वो शाय कर रहे होते हैं, शायनेस उनकी फीलिंग आ रही होती है या वो हेजिटेट हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं डोंट बी शाय, मतलब शर्माओ मत, डोंट हेजिटेट, उसको भी हेजिटेट का मतलब यही होता है। अच्छा, गो टू बेड, सो जाए। गो टू बेड यानी कि गो टू बेड का मतलब ये नहीं कि आप फिर बेड पर लेटना है, बस इसका मतलब मीनिंग में ही होता है कि आप बच्चों को सोने के लिए कह रहे हैं तो गो टू बेड। इट्स टाइम टू गो टू बेड यानी कि ये टाइम है सोने का, इट्स टाइम टू गो टू बेड यानी आप बच्चों से कह रहे हैं गो टू बेड, आपका टाइम हो चुका है तो नाउ यू कैन गो एंड गो टू बेड। ओके, स्टैंड स्टिल, व्हाट इज दिस, गो एंड स्टडी, डोंट बी शाय, गो टू बेड। ओके, तो ये थे ये सेंटेंसेस जो हमने आज लर्निंग किए इन सेंटेंसेस की और इसकी प्रैक्टिस करनी है और कैसे करनी है जब हमें इन सेंटेंसेस के बारे में, जब हम इन इस हवाले से कोई कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ करेंगे तो हमने लाजमी ये सेंटेंसेस का ही यूज करना है। ठीक है, जब आप बच्चों से कोई बात कर रहे हो और आपको लगता है कि वो सीधे खड़े नहीं है तो आपने ये नहीं कहना सीधे खड़े हो, तो आपने कहना स्टैंड स्टिल, आपने क्या कहना है स्टैंड स्टिल। फिर बाज दफा आपकी कोई चीज ऐसी हाथ में आ जाती है जो आप उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं व्हाट इज दिस, इसके बाद कहते हैं गो एंड स्टडी, जाओ पढ़ाई करो। डोंट बी शाय, शर्माओ नहीं, डोंट बी शाय, शर्माओ नहीं। गो टू बेड, जाओ सो जाओ, गो टू बेड, जाइए सो जाइए। ओके, तो ये सेंटेंसेस थे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आज क्लास का एंड करते हैं लेकिन हम बिल्कुल आपको याद दिला दें कि आपने बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप वीडियो को लाइक लाजमी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें हम ग्रेजुअली न्यू थिंग्स लेकर आते जाएंगे। जैसे कि अभी हम ये कुछ सेंटेंसेस करवा रहे हैं, अगले कुछ टाइम में हम बच्चों के लिए और कुछ लेकर आएंगे, कुछ और चीजें उनकी लर्निंग करवाएंगे। फिर हम उसके बाद हम ग्रेड वन शुरू करने वाले हैं, हम उनकी क्लासेस अटेंड शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, इनकी भी हम कंडक्ट करेंगे क्लासेस जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, एचएस, हम ये तीन क्लासेस को तो कवर करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि उसकी भी क्लासेस का अरेंज कर सकें, लेकिन फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन अभी जो टाइम है हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी लैंग्वेज पर वर्किंग कर लें और लैंग्वेज की क्लासेस और ज्यादा होंगी और बहुत अच्छे से होंगी, बहुत ऑर्गेनाइज वे में होंगी, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए, और ये बिगनर्स सेंटेंसेस है जो कि रेगुलर रूटीन में बच्चों के लिए है जो हमें अपने बच्चों के साथ बोलना चाहिए। अगर लैंग्वेज नहीं भी आती तो एटलीस्ट ये दो दो तीन तीन वर्ड्स के सेंटेंसेस जो हम रूटीन में बोलेंगे तो हमारी खुद लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। और इसके अलावा हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा और आप सबको और हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा आपको समझ आ जाएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपकी लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे इजाजत दीजिए, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।